गाइज वेलकम टू माई चैनल। तो मैंने अमेजोन से दो कपड़े मंगाए हैं, कॉटन के हैं और एक शायद रॉयन फेब्रिक का। मुझे नहीं पता दोनों में से अभी कौन सा आया है, एक्चुअली दोनों की डिलीवरी का कुछ पता नहीं था, तो दोनों देखते हैं अंदर कैसा है। तो जो फर्स्ट ओपन करूँगी मैं, थोड़ा बड़ा वाला पैकेट था, इसे ओपन करते हैं और अंदर देखते हैं कैसा है। तो ये कपड़ा आया, मैं यहाँ पर कहीं पिक्चर्स लगा दूँगी आपको। तो ये मैंने जो साइज़ मंगाया है एम साइज़, और रॉयन फैब्रिक है तो घर में पहन सकते हैं। तो ये रहा, ये वाइट है बिल्कुल, और ये शरारा का सेट आपको मिलता है ये कुछ इस तरीके से। ये रहा, देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि देखिए फोटोज़ में तो आपको पता नहीं चलता ना, तो मैं पहले ओपन कर देती फिर दिखाती। सो दिस इज़ एक्चुअली अ पर्पल कलर। सो देख सकते हैं इस तरीके से कुछ आया, और काफ़ी फ्लेयर है, तो आप इसमें एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। शायद आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, शायद नहीं कर सकते, पहन के पता चलेगा। तो कुछ इस तरीके का, बस यहाँ पे थोड़ा डीप लग सकता है, पहन के देखेंगे कितना ज़्यादा लग रहा है कितना ज़्यादा नहीं लग रहा। तो ये रहा इसका ऊपर का, और शरारा जो नीचे का है कुछ ये है। तो मैं सबको एक बार दिखा देती हूँ ओपन करके, फिर एक साथ ही ट्राई करेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट सेट। अब जो सेकेंड सेट है हम इसको ट्राई करते हैं, ओपन करते हैं। सॉरी, ओ गॉड, ये मतलब मैं शायद चौथी या पांचवी बार ऑर्डर करूँ। जब भी ऑर्डर करूँगी ना, ये गुलमोहर का जयपुर का कुर्ता, ये कुर्ते का फैब्रिक बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी मैं ऑर्डर करूँगी हमेशा रॉन्ग आइटम ही ये लोग मुझे भेजते हैं। तो मैंने किया था एस साइज़ ऑर्डर, इन लोगों ने, सॉरी, मैंने ऑर्डर प्लेस किया था एम साइज़ का, इनने भेजा एस साइज़। ये 100% कॉटन है, वो रेयन फैब्रिक है। क्यों करते हैं हमेशा अमेज़ॉन वाले, अगर इनके पास स्टॉक नहीं रहता तो मत भेजो ना भाई, रिफंड कर दो, उल्टी सीधी चीज़ें भेज देंगे। साइज़ का मुझे पता ही नहीं कि ये एस साइज आएगा भी कि नहीं आएगा। ये रहा एस साइज है, बहुत ही रेयर चांसेस है कि आए। तो ये रहा कुछ इस तरीके का, ये प्योर कॉटन है, बहुत अच्छा मटेरियल, लेकिन बस एक ही डाउट होता है ना कि साइज़ का, तो साइज़ मेरे को थोड़ा सा टाइट सा आता है, तो अब मैं टाइट पहनना नहीं चाहती, मुझे ढीला कपड़े ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट ट्राई करते हैं, पहले येलो को ट्राई करेंगे, बिकॉज उसके लिए मुझे पूरे कपड़े चेंज करने पड़ जाएंगे ऑलमोस्ट। तो पहले इसको ट्राई करते हैं, फिर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। दिस इज़ हाउ इट लुक लाइक। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, और मुझे लगा तो बहुत ज़्यादा डीप नेक है, लेकिन नहीं, इतना है। अगर आप इसको कैरी कर पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये। और ये जो ब्लू वाल येलो वाले की बात करें, सो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। आई रियली होप कि आपने वो वीडियो एंजॉय किया होगा। तो उसमें जो डिज़ाइन था, जो बीच में एक डिज़ाइन था चेस्ट की तरफ और एक हाथ की तरफ, एक अच्छा सा डिज़ाइन था आपको। मैं पर्पल वाले की बात कर रही हूँ, तो वो ना बहुत ज़्यादा इचीनेस कर रहा था, पोक कर रहा था बार बार हाथ में भी, और मिडल ऑफ द चेस्ट में जो उसका डिज़ाइन था वो। और येलो वाले की बात करूँ तो येलो वाला मुझे बिल्कुल ही आया ही नहीं, फिट की तो बात अलग है, वो मुझे मेरे अंदर ही नहीं आ पाया, सर में नहीं घुस पाया, इतना छोटा हो रखा मेरे को। सो आई रियली होप कि आपको रिव्यू वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।